नमस्ते, मेरा नाम डेविड है और आप दी ललन टॉप देख रहे हैं। दाऊद इब्राहिम फिर खबरों में है। 22 अगस्त को पाकिस्तान ने उसे डेजिग्नेटेड आतंकियों की लिस्ट में शामिल किया, साथ ही माना कि भारत का यह मोस्ट वांटेड आतंकी उसकी जमीन पर है। लेकिन फिर थोड़ी ही देर बाद वह अपनी बातों से पलट गया। साथ ही पाकिस्तान ने कहा कि उसने कभी नहीं कहा कि दाऊद उसके यहाँ रह रहा है। इससे पहले पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने 22 अगस्त को 88 आतंकियों की लिस्ट वाला स्टेचुअरी रेगुलेटरी ऑर्डर जारी किया। इसमें दाऊद का नाम था। यह ऑर्डर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF की मीटिंग से पहले जारी हुआ। FATF एक इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, 1989 में बना था। फ्रांस के पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। ये संस्था दुनिया भर में आतंकी संगठनों की फंडिंग यानी आर्थिक मदद करने वाले देशों पर नजर रखती है। जो देश आतंकियों की मदद करते हैं उनको ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट में डाल देती है। साल में 3 बार इसकी मीटिंग होती है। पाकिस्तान की ओर से जारी स्टेचुअरी रेगुलेटरी ऑर्डर में दाऊद के अलावा लश्कर ए तैयबा के मुखिया हाफिज सईद, 26/11 मुंबई हमलों का आरोपी जकीउर रहमान लखवी, जैश ए मोहम्मद के मुखिया मसूद अजहर का नाम भी शामिल है। इस ऑर्डर में नाम आने का मतलब हुआ कि ये आतंकी अब पाकिस्तान में सीधे तौर पर फंड नहीं ले पाएंगे, इनके कहीं आने जाने पर रोक रहेगी, ये लोग हथियार भी नहीं खरीद पाएंगे। पाकिस्तान की ओर से जारी ऑर्डर में दाऊद का सीरियल नंबर 135 है। यही नंबर UN की लिस्ट में भी है। इसके साथ उसके पासपोर्ट और घर के पते की जानकारी भी दी गई। दाऊद के घर का पता कराची का व्हाइट हाउस नजदीकी सऊदी मस्जिद क्लिफ्टन दिया गया। साथ ही यह भी बताया गया कि वह भारत का नागरिक है। दाऊद के पास 7 भारतीय, 4 पाकिस्तानी, 2 दुबई और 1 डोमिनिका का पासपोर्ट बताया गया है। उसका पहला पासपोर्ट भारत की ओर से 30 जुलाई 1975 को जारी किया गया था। वहीं जुलाई 2001 में रावलपिंडी में पासपोर्ट जारी किया गया था। हालांकि रावलपिंडी से जारी एक और पासपोर्ट की तारीख का जिक्र नहीं किया गया है। ये सभी पासपोर्ट अलग अलग नामों से हैं। दाऊद के नाम से 7 कंपनियां भी हैं। इन सब का पता दुबई में है। एक एयरलाइंस कंपनी भी दाऊद के नाम है, हालांकि अब ये बंद हो चुकी है। बाकी कंपनियों में कंस्ट्रक्शन, गारमेंट, डायमंड और तेल कंपनियां शामिल हैं। लिस्ट सामने आने के बाद पाकिस्तान कटघरे में आ गया। ऐसे में 23 अगस्त को उसने बयान जारी कर दाऊद के पाकिस्तान में होने वाली बात से यूटर्न ले लिया। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस तरह के दावे बेबुनियाद और गुमराह करने वाले हैं। पाकिस्तान ने कहा, विदेश मंत्रालय ने 18 अगस्त 2020 को 2 स्टेचुअरी रेगुलेटरी ऑर्डर जारी किए थे। ये ऑर्डर संयुक्त राष्ट्र की तालिबान, इस्लामिक स्टेट और अलकायदा पर प्रतिबंधों वाली लिस्ट की तर्ज पर थे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के तहत इस ऑर्डर में प्रतिबंधित लोगों और उनकी संपत्ति की जानकारी है। इस तरह के ऑर्डर थोड़े थोड़े अंतराल पर जारी होते रहते हैं। ऐसे ऑर्डर साल 2019 में भी जारी हुए थे। स्टेचुअरी रेगुलेटरी ऑर्डर में संयुक्त राष्ट्र की ओर से तय किए गए लोगों का नाम होता है। मीडिया के कुछ हिस्से में ऐसी खबरें आई कि पाकिस्तान अपने ऑर्डर के जरिए नए प्रतिबंध लगा रहा है। ऐसी खबरें तथ्यों से परे हैं। इस तरह भारतीय मीडिया के एक हिस्से में यह दावा किया गया कि पाकिस्तान ने कुछ लोगों के अपने इलाके में होने की बात स्वीकार की है। ये दावे बेबुनियाद और भ्रामक हैं, ये पाकिस्तान ने सफाई दी। बताया जाता है कि पाकिस्तान को अपने यहाँ कई आतंकी संगठनों और लोगों पर कड़े प्रतिबंध का ऐलान इसलिए करना पड़ा क्योंकि वह FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर आना चाहता है। जून 2018 में उसे इस लिस्ट में डाला गया था, अब उस पर ब्लैक लिस्ट में जाने का खतरा भी है। FATF ने पाकिस्तान को 2019 के अंत तक आतंकियों पर लगाम कसने के लिए कार्य योजना लागू करने को कहा था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण इसकी समय सीमा बढ़ा दी गई। ग्रे लिस्ट में जाने पर किसी देश को IMF, वर्ल्ड बैंक जैसे संस्थानों से पैसे मिलने में मुश्किल होती है, उसे लोन मिलने में मुश्किल होती है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में दिक्कत आती है। वहीं किसी देश को ब्लैक लिस्ट में जाने पर उस देश को IMF, वर्ल्ड बैंक जैसे संस्थानों से लोन नहीं मिल पाता है। दाऊद 1993 मुंबई बम धमाकों का मुख्य आरोपी है। लंबे समय से वह भारत के मोस्ट वॉन्टेड की लिस्ट में शामिल है। मुंबई में बम धमाकों के बाद भारत से फरार दाऊद इब्राहिम गिरफ्तारी से बचता रहा है। बार बार उसके पाकिस्तान में होने की खबरें आती रही हैं, हालांकि पाकिस्तान इससे बार बार इनकार करता रहा है। ये स्टोरी की थी हमारे साथी शक्ति ने। अगर इस वीडियो को आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करिए और अब तक आपने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड करिए। थैंक यू। आपको सेहतमंद बनाने, हेल्थ की दुनिया के सब हाल बताने, आपको आपकी बॉडी के और करीब लाने, एक्सपर्ट्स के जरिए आपकी अवेयरनेस चमकाने, तंदुरुस्त रहना होगा नई लत। देखिए दी ललन टॉप पर सेहत सोमवार से शुक्रवार रोज 12 बजे।